जय श्री कृष्णा। पुष्टि शृंगार के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम शरद पूर्णिमा के बारे में बात करेंगे, उसका सेवा क्रम और भाव। तो आइए शुरू करते हैं। अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन को हम शरद पूर्णिमा कहते हैं। पुष्टि मार्ग में रासोत्सव को बड़े उत्सव में माना जाता है, इसलिए इस दिन को हम बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ मनाते हैं। आज प्रभु को हम मुकुट काचनी का श्रृंगार धराएंगे। आज के सभी वस्त्र ठाकुर जी को सर्व सखियों के अद्भुत भाव से धराए जाते हैं। मेघश्याम चोली यमुना जी के भाव से, रुपेली जरी की काचनी स्वामिनी जी के भाव से, सुनहरी जरी की काचनी चंद्रावली जी के भाव से, सूथन कुमारिका के भाव से, और लाल पीताम्बर का रास पटका वो अनुराग भावरूप ललिता जी के भाव से धराया जाता है। आज प्रभु को पिठिका के ऊपर रुपेली जरी का दत्त ओढ़ाया जाएगा। सभी माला जी एवं श्रृंगार हीरा और मोती में आएंगे, और याद रहे आज छोटी जी नहीं धराई जाएगी, और फूल की माला जी भी श्वेत आएगी, और थाड़े वस्त्र भी श्वेत आएंगे। आज भोग में विशेष रूप से श्वेत सामग्री धराई जाती है, जैसे कि दूध पोहा, बासुंदी, पेड़ा एक्सेट्रा। और आज पिछवाई में द्वे द्वे गोपी बीच बीच माधव, अर्थात दो दो गोपियों के बीच माधव श्री कृष्ण खड़े रास कर रहे हैं। ऐसी महारास लीला का अद्भुत चित्रांकन से सुसज्जित पिछवाई श्री जी में धराई जाती है। शरद पूर्णिमा के दिन गादी तकिया चरण चौकी पर सफेद लट्ठा की बिछावट की जाती है। अब सजावट की बात करें तो रास करते हुए गोपिया अष्ट सखा अष्ट सखिया आप प्रभु सन्मुख पधरा सको। खंडपाठ के ऊपर सफेद बिछावट करते हैं और उस पर चांदी के खिलौने सजाए जाते हैं, और चौपाट पे आप नृत्य करती हुई गोपिया सजा सको। शरद पूर्णिमा के दिन शयन दर्शन पश्चात हवेलियों में ठाकुर जी रास की सजावट में पधारते हैं, और सिर्फ चंद्रमा की रोशनी में आरती की जाती है, पर आप गुरु सेवा में राजभोग पश्चात रास की सजावट कर सको। और आज की शरद रास का आनंद प्रभु की अलौकिक सखिया ही ले सकती है। शरद पूर्णिमा के दिन शयन अनुसर में उत्सव भोग रखे जाते हैं, जो कि अगले दिन प्रातः शंखनाद ही सराए जाते हैं। और सबसे महत्व की बात याद रखें कि आज शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी श्रृंगार सहित पौढ़ते हैं, और मान के पौढ़ावे के कीर्तन नहीं गाए जाते। तो इस साल शरद पूर्णिमा के दिन आप अपने ठाकुर जी को खूब आनंद और उल्लास से सेवा करें। इस महारासोत्सव के दिन आप अपने ठाकुर जी को खूब लाड़ लड़ाइएगा और आनंद और उल्लास से सेवा करिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए जो WhatsApp और Instagram की लिंक होती है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों में ही लिंक कर दी है, तो आप क्लिक करेंगे लिंक पे तो हमसे जुड़ पाएंगे। Instagram पे हम रेगुलर अपडेट्स देते रहते हैं, और WhatsApp पे हम पर्सनली आपसे जुड़े रहते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और आगे आप क्या देखना पसंद करेंगे। और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।